नमस्कार दोस्तों, आज एक प्रोडक्ट का डेमो करने वाले हैं जो कि एक बियरिंग हीटर है। बियरिंग को हीट जो करता है उसको बोलते हैं हम बियरिंग हीटर। ये कहाँ पे यूज होता है? यूज होता है कि कहीं पे अगर बियरिंग हमको चेंज करना है, चाहे मोटर हो, चाहे कोई फैन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो जहाँ की रोटेशन डिवाइस रहता है, जैसे रोटेशनल मूविंग पार्ट रहता है, तो उसमें क्या है, हमको बियरिंग को लगाना है तो हीट करके लगाना है। समझो कि एक बियरिंग है, ये बियरिंग मैं खोल के दिखाता हूँ। ये कौन सा कंपनी का है? एस्केप का है। तो एस्केप का बियरिंग है और बियरिंग है, तो इसको हम खोल के दिखाते हैं कैसे। और बियरिंग का नंबर क्या है? 6212RS1, 6212RS1, जो कि मेड इन इंडिया है। आपको दिख रहा होगा, मैं कैमरे सामने से दिखाता हूँ, ये है बियरिंग नंबर। इसको खोलेंगे तो ये बियरिंग नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बियरिंग नंबर से मोटर का जो है डाया पता चलता है। तो इसको सील पूरा, एकदम नया बियरिंग है इसका। देखिए कितना प्राइस पता है? 1090 रुपये, मतलब 1000 का है एक छोटा सा चीज़ का। देखिए पूरा बियरिंग है, दिख रहा है बॉल बियरिंग है, अंदर पूरा सील किया हुआ है। तो ये बियरिंग को अगर, इसको बोलते हैं डाया, तो डाया को अगर चेंज करना है, डाया मोटर में पुराना बियरिंग निकाल के नया बियरिंग डालना है, ऐसे तो अंदर घुस नहीं जाएगा। तो उससे क्या ठोक ठोक के हमको करना पड़ेगा। उससे क्या है, अगर इसको हम हीट कर देंगे तो हीटिंग की वजह से क्या होता है, कोई भी मेटल चीज़ क्या होता है, उसका नरम हो जाता है। नरम होने के बाद क्या होता है, मोटर में जो शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर घुस जाता है। फिर जब उसको कूल कर देंगे, शाफ्ट में टाइट होकर बैठ जाएगा। तो उसको बियरिंग को हीट करने का बहुत सारा तरीका होता है, चाहे हम किसी आग में डाल दो, या किसी कोयले का आग में डाल दो, या कुसी में इसको, या तुम गैस वेल्डर से, गैस कटर से इसको थोड़ा हल्का हल्का इसमें वेल्डिंग करके हल्का हल्का इसको जो उसको हीट करके इसको टेम्परेचर ये कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें हम टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं कर सकते, इधर ज़्यादा हीट हो जाएगा, इधर कम हीट हो जाएगा, तो ये एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन हीटर यूज करते हैं कि चारों तरफ हीट जो है डिसिपेट, चारों तरफ प्रॉपरली मेंटेन हो, प्लस जो है बियरिंग के अंदर कोई डैमेज ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक इंडक्शन हीटर का यूज करते हैं। ये हो गया है इंडक्शन हीटर, इसको खोलेंगे तो पता चल जाएगा ये इंडक्शन हीटर एस्केप का ही है। ये सेम कंपनी जो हमने, मैं अपने जो बियरिंग दिखाया, ये बियरिंग एस्केप ये सेम कंपनी का ही है। ये इसका प्राइस रेट बहुत महंगा रहता है, 1.5 लाख के ऊपर आता है। ठीक है, ये 5 किलो का है, 5 किलो बियरिंग का तक ये बियरिंग हीट कर सकता है। इसको खोलते हैं, खोलने के बाद आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या इसमें अंदर है। सर्च कीजिए यूट्यूब पे ऑल इन वन चैनल कॉन्सेप्ट को, एंड रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। ठीक है ना, दूर से देखिए, थोड़ा अंदर से पता चल जाएगा। ये होता है पूरा इंडक्शन हीटर, इंडक्शन हीटर की तरह ही है। ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी पोर्टेबल इंडक्शन हीटर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इंडिकेशन दिख रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर स्क्रीनिंग दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं कितने टाइम तक रहेगा। प्लस स्टार्ट और स्टॉप का दम बटन है, इसमें स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर फिट करने के लिए यहाँ पे पावर है, ये पावर का ऑन ऑफ स्विच है। प्लस यहाँ से इसको कंट्रोलिंग है, यहाँ से ये जो दिख रहा है इंडक्शन, इसको हम रख देते हैं। यहाँ से ये जो दिख रहा है हीटर क्लैंप, इसमें क्या है, इसके अंदर हीटर ऐसे खुलता है, इसके अंदर हीटर लगा के ऐसे दबा के इसमें रख देते हैं। इसके अंदर एक कॉयल है और इसके अंदर एक कॉयल है, ऐसे रख के दो हीटिंग कॉयल इसमें जो आपको प्रोब दिख रहा है, ये प्रोब हम इसमें घुसा देंगे। ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि प्रोब टूट जाने की संभावना रहता है। तो इसको हम लगा दिया,
अच्छे से टाइट करना, क्योंकि लूज रहेगा जो तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस इसके अंदर और भी चीज़ है, एक एक करके दिखाता हूँ आपको। ये जो चीज़ है दिख रहा है, ये बियरिंग का था आरटीडी है, आरटीडी आरटीडी, इसमें आरटीडी लगा रहता है जो कि टेम्परेचर, बियरिंग का टेम्परेचर लेगा, बियरिंग टेम्परेचर लेगा। ये कहाँ लगा रहेगा, ये एक कॉर्ड रहता है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहाँ पे घुस जाएगा। घुस गया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो अभी ये सेट हो गया, सब फिटिंग हो गया। ये अभी बियर, ये इसका जो प्रोब है ये बियरिंग के ऊपर लगेगा, और ये जो चीज़ है इसके ऊपर बियरिंग हम रख सकते हैं। गर्म करने के बाद इसके अंदर बियरिंग रख सकते हैं, जैसे कि समझो गर्म जब हो जाएगा, इसको तो हाथ से पकड़ नहीं सकते ना, तो उसके लिए हमको ग्लव्स चाहिए, ग्लव से पकड़ना, क्योंकि ना ज़्यादातर हम इसमें 110, 120, 130 तक इसको हीट कर सकते हैं। इसके अच्छा ये ग्लव्स है, ग्लव्स से हम पकड़ सकते हैं। ऐसे ग्लव्स पकड़ने के बाद हम इसमें ऐसे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ये वाला चीज़ दिया रखा है। प्लस ये पावर केबल है, दिख रहा है पावर केबल, पावर केबल का जो कॉर्ड है, ठीक दिख रहा है आपको, कॉर्ड हम इसमें लगा देंगे। कॉर्ड है, ऐसे लगा दिया। ये पावर केबल ऑन ऑफ स्विच है, दिख रहा है आपको, अभी ऑफ में है, जीरो में, इसको अभी ऑफ को रहने दीजिए, ठीक है। अभी आपको एक इसको हम लाइव दिखा के आपको लाइव इसको एक हीटिंग करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है, इधर से देखिए, थोड़ा कैमरा इधर से घुमाना, इधर से हम चालू कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, ऐसा करके रखना, दिख रहा होगा अभी कितना में सेट है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड में सेट है। ये सेंटीग्रेड फारेनहाइट हम दोनों सेट कर सकते हैं। ये वाला ग्लास खोल के आप दिखाते हैं आपको, हाँ तो सेंटीग्रेड फारेनहाइट, ठीक है। एक नया एक बियरिंग है, ये पुराना बियरिंग है एक, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं, क्योंकि वो नया बियरिंग है। नया बियरिंग में क्या होता है, इसके अंदर ग्रीस रहता है, अगर इसमें हीट कर देंगे ना तो ग्रीस बाहर निकल जाएगा, तो काम की नहीं होगा। तो हम इसको पुराना बियरिंग देके एक डेमो दिखाते हैं। ये जो हमने थर्मल का आरटीडी लिया था, आरटीडी इसमें चिपका देंगे, क्योंकि ये जो आरटीडी है, ये आरटीडी ये बियरिंग का फीडबैक लेगा, ये जो गर्म कर रहा है ना, गर्म करने के बाद ये फीडबैक लेगा कि कितना टेम्परेचर अभी करंट में चल रहा है, ये धीरे धीरे राइज होगा। प्लस ये इंडक्शन कॉयल के अंदर हम इसको घुसा देंगे, ये दिख रहा है ना, इसमें हम ऐसे लगा के बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करने के बाद आपको अभी दिखाते हैं, सेटिंग आपको पता चल गया होगा। पहले देखिए, क्योंकि ये जब हीट होगा ना, ये ऐसे तो हम इसको ऐसे नहीं रख सकते ना, ऐसे ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि ये जब हीट हो जाएगा प्लास्टिक को पिघल देगा। प्लास्टिक एक्चुअली प्रैक्चुअली नहीं है, लेकिन ये जो भी है इसको ज़्यादा भी हीट हो जाएगा इसको पिघल देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। ये भी प्लास्टिक है, लेकिन ये प्लास्टिक उतना टेम्परेचर ले सकता है, तो इसे हम कर दिया, इसमें प्लास्टिक रख दिया, और इसमें हम इसमें हम रख दिए, इसे पाक लग गया, इसको थोड़ा पाक ठीक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आरटीडी का प्रोब लगा देते हैं इधर, इसमें मैग्नेट रहता है, इसमें लगा दोगे तो मैग्नेट चिपक जाएगा फटाक से, आपको दिख रहा होगा ये पूरा आरटीडी है, तो इसको लगा देंगे, चिपक गया। तो ज्यादातर हम कहा था किधर करते, इधर रहना हमको जरूरी है, किंतु हमको बस इधर ही मेन गर्म करना है, अंदर वाला जो डाया है, बाहर वाला डाया उतना हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अंदर वाला में हमको रखना है, ठीक है।
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसका टेम्परेचर तो यहाँ पे दिखाएगा ठीक है, लेकिन आपको फिर से बाहर से एक बार चेक करने के लिए अभी हम एक थर्मल गन से आपको दिखाएंगे कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कि नहीं। एक थर्मोग्राम है, एक थर्मल मीटर है। अभी नॉर्मल टेम्परेचर इतना कितना है, ये एक आरटी थर्मोग्राम है, आपको दिख रहा होगा। ये लेजर से लेता है, जैसे ये लेजर, इसमें अंदर लेजर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर जैसे कि लेजर में कितना दिखा रहा है, 33। सेम चीज़ बेयरिंग में कितना दिखा रहा है, 30 एम्पीयर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम धीरे धीरे चालू करते हैं, चालू करने के बाद आपको दिखाते हैं इसमें टेम्परेचर कितना बढ़ता है। चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो चालू करने का जो स्विच है, ये स्टार्ट करना पड़ेगा। जब से स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 48, 50, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो हमने बढ़ रहा है कि सच में है या नहीं, किस कैसे पता चलेगा, हम इसे बाहर से हम चेक कर सकते हैं। अभी मैंने टेम्परेचर आपको कितना दिखाया था, 30 डिग्री दिखाया था ना, अभी कितना दिखा रहा है, 40, 42, 41, 44, बढ़ रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जितना बढ़ते जाएगा ना, ये जो दिखा दिया ना, ये दिखा दिया मतलब ऑलरेडी ये 100 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। लेकिन इसमें क्या है, फीडबैक उतना पूरा नहीं आ रहा है, और इसीलिए क्या है, पूरा कैंसिल हो तो आई ये इसलिए कैंसिल हो चुका है। और ये भी गर्म हो चुका है, कितना गर्म हो चुका है, 42 डिग्री गर्म है इसका। साइड से लेना ज्यादा है। हाथ हाथ लगा दोगे ना, बहुत जल जाएगा। इससे हम ज़्यादा हीट नहीं बढ़ाएंगे, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ सच में इतना टेम्परेचर हुआ कि नहीं। एक थोड़ा सा मैं स्प्रे है ना, हमारे पास स्प्रे है, थोड़ा स्प्रे मार के आपको दिखाता हूँ। सप्लाई बंद कर देते हैं, सप्लाई बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रे। ये देखिए कितना गर्मी में क्या हो रहा है, पूरा तुरंत निकल जा रहा है। ये ऑयल है, ऑयल को पूरा एकदम स्टीम बना दे रहा है, तो मतलब कितना हीट हो चुका है। इसको हम हाथ से अगर पकड़ रहे हैं ना, बहुत गर्म है, लेकिन हाथ नहीं रख सकते। और टेम्परेचर आपको कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 61 61। और अगर हम साइड से ले, कितना दिखाएगा, कितना दिखा रहा है, उतना है 61। तो इसीलिए क्या है, हम 100 डिग्री सेट किया, लेकिन 61 की दिखा रहे हैं, ये थोड़ा एरर हो सकता है। लेकिन क्या है, 61 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा हम इसको लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसको निकालेंगे, तुरंत इसको निकालेंगे, आरटीडी को निकालेंगे, इसको हटाएंगे और ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद दिखाता हूँ, कोई भी मोटर पहुँच कर, ये देखिए एक मोटर है, ऐसे ही थोड़ा नीचे करके पता चल जाएगा। ये देखिए मोटर में गल गया ठीक है ना, ऐसा गल गया। तो इसीलिए क्या है, ये वाला हीटर हम यूज करते हैं। तो ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये पूरा जो हमने अभी आपको दिखाया, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको। और किस चीज़ के बारे में आप वीडियो जानना चाहते हैं, उसके बारे में आपको सजेशन दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमने जितना मेहनत किया उसके वजह से आप चैनल को लाइक भी कीजिएगा, मेरा काम आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये वाला जो हीटर है, ये वाला हीटर का जो डिस्क्रिप्शन है, मैंने ये जो जहाँ से खरीद सकते हो आप उसका, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका हीटर का प्राइस कितना है और डिस्काउंट कब कब चलता है, तो बहुत काम का चीज़ है ये। तो बस चलिए, इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।